नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और जमीनी स्तर पर अब चुनावी जनसभाएं भी देखने को मिल रहे हैं और उस हिसाब से कई बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सट्टा बाजार ने जो चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं उस लिहाज से 543 सीटों का क्या चुनावी गणित है और बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में दिखाई दे रही है और किन किन राज्यों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, इसको लेकर संपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि सट्टा बाजार का रुझान काफी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला आंकड़ा है, इस लिहाज से काफी हलचल दिखाई दे रही है। जनता तैयार है और चुनावी जनसभा, चुनावी वादे, रोड शो देखने को मिल रहे हैं और पहले फेज को लेकर क्या आंकड़ा होगा और सट्टा बाजार क्या आंकड़ा रख सकता है। लेकिन इससे पहले महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर भी यहाँ पर जो है विपक्ष हमलावर रहा है। लेकिन किसके दावे में कितना दम होगा, किसान को देंगे वोट तो मोदी या राहुल किसको देंगे वोट, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े अब काफी हलचल है। अब घोषणा पत्र भी जारी हो चुके हैं, उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है, इसके साथ ही काफी हलचल है। रोड शो भी देखने को मिल रहे हैं और बड़ी बड़ी जनसभाएं भी हो रही है। केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके अलावा जो नया अलायंस बना है एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन, तो काफी हलचल है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी इस चुनाव में चुनावी कैंपेन भी किए गए हैं और इस पर भी चुनावी हलचल और चुनावी चर्चाएं भी रही हैं। लेकिन सट्टा बाजार का क्या अपना रुझान है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए 20 सीटें जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 0 सीट, जबकि एलडीएफ को 4 सीटें जा सकती हैं, जो सट्टा बाजार का चुनावी आंकड़ा, चुनावी अनुमान सामने आ रहा है। कर्नाटक की 28 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 24 सीटें, जेडीएस भी बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो 2 सीटें और यहां पर आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, लेकिन कांग्रेस के अलावा या जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है और इसका कितना नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कर्नाटक में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। गुजरात की 26 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार 26 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और यहाँ वोट शेयर के मामले में काफी गिरावट, कई सीटों पर पार्टी की टक्कर देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर 10 सीटों पर कमल खिलाने में सफल हो सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ की 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर वीआईपी सीटें हैं और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो लेकिन पलड़ा भारी है जो फिलहाल आंकड़े हैं उस लिहाज से आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जबकि चंडीगढ़ की 1 सीट पर यहाँ पर जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर 50-50 देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस कार की हलचल देखने को मिली थी और काफी कुछ यहाँ पर घटनाक्रम भी देखने को मिला था, उससे कहीं न कहीं छवि पर भी असर पड़ा है और माना जा रहा है चंडीगढ़ की जो लोकसभा सीट है इस पर कांटे की टक्कर सट्टा बाजार अनुमान लगा रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर पलड़ा भारी है। आसू पार्टी को भी 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, यानी सीधे तौर पर जो आंकड़े हैं। लेकिन झारखंड की जो काफी कुछ चलचल झारखंड में भी देखने को मिली है, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में है, जबकि नई यहाँ पर सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल भी बने हैं, नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं, उसका कितना फायदा जेएमएम उठा पाएगी, कांग्रेस जेएमएम मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़के हैं। जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, आसू पार्टी यहाँ पर गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होगी, लेकिन माना जा रहा है कि 1 सीट जो जेएमएम है, लेकिन यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो सट्टा बाजार का अनुमान है। 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल कांटे के मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। जम्मू के 5 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिसका से धारा 370 खत्म हुई है और पहले फेज में उधमपुर में जो है चुनाव होना है, वोटिंग होनी है और जिसका से जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गर्जना की है, उसके साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं और उधमपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसके पक्ष में भी जा सकते हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जो अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। जबकि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 0 से 4 सीट, जबकि बीआरएस को 2 सीट की संभावना है। 1 सीट आने के पक्ष में एआईएम पार्टी के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिलता नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, जबकि उनके गठबंधन डीएमके को
18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में 0 से 5 सीटों पर भारी नजर आ रही है। और कुछ सीटें अन्य यूपीए के पक्ष में जो कि इंडिया गठबंधन में है 5 सीटें, पर एनडीए पक्ष में 0 से 2 सीट का अनुमान हो सकता है जो कि एआईडीएमके के पक्ष में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का एआईडीएमके के साथ जो गठबंधन था वो अलग हो चुका है, और ऐसे में कितना नुकसान होगा ये माना जा रहा है। लेकिन कई सीटों पर कांटे की टक्कर तमिलनाडु में भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन बना है उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी 3 सीट तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने जो सांसद हैं उनको भी बदला है। और आम आदमी पार्टी इसी को तंज कस रही कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो पुराने उम्मीदवार थे सांसद थे जीते थे तो उनको क्यों यहाँ पर जो है हटा दिया, टिकट काट दिए हैं। इसको लेकर भी काफी हलचल है। माना जा रहा है कि 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ दिल्ली में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं और यहाँ पर उसका कितना बेनिफिट्स आम आदमी पार्टी उठाएगी, क्योंकि सहानुभूति वोट को लेकर भी अब सियासी हलचल दिल्ली में भी बढ़ चुकी है। दादर नगर की 1 सीट पर भी अगर बात की जाए तो शिवसेना यहाँ पर पहले सीट उनके पक्ष में थी, और इस बार भी माना जा रहा है कि शिवसेना के पक्ष में सीट जा सकती है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 0 सीट जा रही है, जबकि अगर बात की जाए तो नागालैंड की 1 सीट पर सीधे तौर पर एनडीपीपी पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर नागालैंड में यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दे रही है। पंजाब की 13 सीटें भी निर्णायक हैं, और पंजाब को लेकर काफी हलचल देखने को मिली है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अंधी तौर पर उनका गठबंधन है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे स्थान से नलाकर तीसरे स्थान पर रखा जाए, इस कारण से यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी आ जाती, या अंदर तौर पर गठबंधन का कितना फायदा आम आदमी पार्टी कांग्रेस उठा पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चुनावी सर्वे है उस हिसाब से 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीट अकाली दल के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर 8 से 10 सीट का अनुमान पंजाब में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पांडुचेरी की 1 सीट पर भी सीधे तौर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में इस बार सीधे तौर पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में देखने को मिल रही है, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस से हुआ नहीं है, उसका फायदा टीएमसी पार्टी उठाती नजर आ रही है, क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी हो चुका है। क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ सीधे तौर पर बात की जाए तो गठबंधन में चुनाव लड़ती तो वोट शेयरिंग में भी डिफरेंट आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतने दम से पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, जिस कारण की हलचल 2019 में देखने को मिली थी, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर टीएमसी वर्सेस कांग्रेस न होकर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी मुकाबला होगा। तो 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि टीएमसी भी 21 सीटों पर भारी नजर आ रही है, जो अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मिजोरम की 1 सीट पर सीधे तौर पर जेडपीएम पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना, मिजोरम पीपल्स मूवमेंट के पक्ष में सीट जा सकती है, जो वर्तमान में भी सरकार बना चुकी है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव में हाल ही में जो यहां पर आंकड़े रहे थे, मिजोरम मेजर नेशनल फ्रंट के पक्ष में रहते थे, उनके पक्ष में सीट जा रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही है, और हाल ही में प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ने सभी को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सीधे तौर पर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट भी यहाँ पर कम दिखा रहा है। अगर 5 सीटें से ज्यादा सीटें आती हैं तो प्रशांत किशोर यहाँ पर ऑन कैमरा आकर माफी मांगी, किस प्रकार का बयान सामने आया था। ये माना जा रहा है कि बिहार में क्या 40 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि सभी 40 सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। 2019 में 39 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, जिसके चलते काफी हलचल भी देखने को मिल रही है। जो सट्टा बाजार का अनुमान है, जो ओपिनियन पोल हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीट का अनुमान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी 17 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन पैंच फंस रहा है जेडीयू की, जो 16 सीटें पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से 8 सीट पर ही उनका पलड़ा भारी है। 8 सीट पर करीब आरजेडी भी पहुंच सकती है, और यहां पर एलजेपी अन्य एनडीए को 7 सीटें मिलेगा अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े बन रहे हैं। सीधे तौर पर बात की जाए तो बिहार में काफी हलचल होगी, और जो अनुमान है उस लिहाज से यहाँ पर करीब 25 से 30 या 32 सीट तक एनडीए गठबंधन जा सकता है, जबकि 8 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा बिहार में भारी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। छिंदवाड़ा सीट को लेकर काफी हलचल है, बीआईपी सीट है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की तरफ से नकुल नाथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। 2019 में इसी सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर विवेक बंटी शाह को चुनावी मैदान में उतारकर हलचल तेज कर दी है।
29 सीटों पर 15 भारी है, लेकिन कई सीटें ऐसी रही हैं जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 15 भारी था, तो 5 से करीब सीट ऐसी है जहां काटी टक्कर यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दी है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं, और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, और यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल है। और शिवसेना दो धर्म में बढ़ चुकी है, एनसीपी भी दो धर्म में बढ़ चुकी है, तो उसके बाद कितनी हलचल है। जनता तैयार है क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े होंगे वो विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा 0 से 4 सीट पर भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 20 से 22 सीट तक भारी नजर आ रही है। शिवसेना को 0 से 6 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि उद्धव गुट और पवार को यहाँ पर बात की जाए तो जो गठबंधन है एनसीपी के लिए वो करीब 11 से 15 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर 11 से यहाँ पर 15 सीट या 17 सीट तक जो है इंडिया गठबंधन, और अगर बात की जाए तो 20 से 25 सीट एनडीए के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर लगाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि कितना फायदा कितना नुकसान होगा। सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, बाकी अगर बात की जाए शिवसेना और यहाँ पर उद्धव गुट को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि सहानुभूति वोट की संभावना यहाँ पर महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। तो जनता तय करेगी महाराष्ट्र का क्या कुछ आंकड़ा होगा, यह आने वाली विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान की 25 सीटों में से अगर बात की जाए तो 25 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन जो आंकड़े हैं अंदरूनी तौर पर सर्वे है उसमें 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर काट की टक्कर देखने को मिलेगी। वीआईपी सीटों में उन्हें रखा गया, तो वो सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी, ये अंत में जनता यहां पर फैसला करेगी। जबकि मेघालय की 2 सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी आज 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर अगर बात की जाए, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन 102 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर काटी की टक्कर दिखाई दे रही है, और अंत में जनता फैसला करेगी, अंत में फैसला लेगी ये सीट पर वो कौन जीतेगा, क्या कांग्रेस यहां खाता खोलेगी या भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में से 3 सीटों पर कांग्रेस, तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि हरियाणा को लेकर भी काफी हलचल देखने को मिली है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को भी बदला है। उसका कितना फायदा उनको मिलेगा या कितना नुकसान होगा ये जनता तय करने वाली रही है। जबकि मणिपुर की 2 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और मणिपुर को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने सरकार को लेकर भी घेरा है, और कई बार इसको लेकर बहस भी संसद में देखने को मिली है, लेकिन जवाब काफी चौंकाने वाले रहे हैं। तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच काटी की टक्कर मणिपुर में इस बार देखने को मिल सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से सीधे तौर पर बीजू जनता दल के पक्ष में 11 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर कमल खिला सकती है। असम की 14 सीटों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 11 सीटें हैं, और यहां पर एजीपी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 से 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है, लेकिन यहां पर भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर काटी की टक्कर देखने को मिलेगी। अंत में जनता फैसला लेगी कि वो सीटें किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो 45-55 का मार्जिन दिखाई दे रहा है, उस लिहाज से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। सिक्किम की 1 सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर SKM पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दी है। लद्दाख की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान है। आंध्र प्रदेश की 25 में से कांग्रेस को 0 सीट की संभावना है, जबकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी के पक्ष में 0 से 4 सीट, TDP के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसके साथ आंध्र प्रदेश में अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करे, जबकि YSR कांग्रेस पार्टी जो कि यूपीए में है उसको करीब 8 से 10 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन विशेष इंडिया गठबंधन के बीच काटी की टक्कर देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर एनपी पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं, और उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस 0 से 1 सीट पर भारी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी करीब 70 सीट है, समाजवादी पार्टी का पलड़ा 5 सीट पर भारी है, और अगर बात की जाए RLD अन्य एनडीए को 0 से 2 सीट जो आती हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल अगर बात की जाए तो करीब 70 सीट तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए करीब 8 से 10 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें मानी जा रही हैं, और कई सीटों पर सीधे तौर पर काटी की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई सीटों पर उम्मीदवारों का भी यहाँ पर टिकट कटा है। उसके बाद क्या बगावती सुर देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदरूनी घात की संभावना भी दिखाई दे रही है। इसको लेकर क्या आंकड़ा बनेगा
ये जनता उत्तर प्रदेश की तय करने जा रही है। त्रिपुरा की दो सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की लोकसभा चुनाव को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा, जो आंकड़े बन सकते, जिनकी संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, उसको लेकर देखिए 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा प्रबल जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो है 300 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। इस पर सबसे ज्यादा मोहर लगाई गई है, जबकि 330 से लेकर 335 सीटें भी ऐसी हैं जो यहां पर संभावना दिखाई दे रही, जिसकी संभावना भी बन रही है, लेकिन 350 सीटों की जो संभावना है वो कम दिखाई दे रही है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 272 है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए को 350 से लेकर 370 के लिए सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो एनडीए से पीछे नजर आ रहा है, जो अंदरी तौर पर आंकड़े हैं और जिसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, ऐसी हो भी सकता है जिस कार की तैयारियां, जिस कार की चुनावी प्रचार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस से काफी दूर दिखाई दे रहा है, इसकी संभावना काफी कम है इसको लेकर जो आंकड़े हैं, लेकिन 154 से लेकर 200 सीटों का जो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा है वो संभव दिखाई दे रहा है। नहीं, उस आंकड़े तक इंडिया गठबंधन पहुंच सकता है, जिसकी तैयारी दिखाई दे रही है, जिस कार की आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दों के साथ कांग्रेस उतरी है। 5 न्याय और 25 गारंटी की जो बात की जा रही है उस दम पर इन आंकड़ों तक पहुंच सकती है जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, और आगे बढ़ते ही किस तरह के चुनावी प्रचार कैंपेन होते हैं, पहले फेज की वोटिंग के बाद कितना कुछ माहौल बदलता है, क्या जनता जो योजना है, जो काम है, उन दम पर क्या यहां पर वोट करेगी, या फिर जो बड़े मुद्दे चुनावी मैदानों में उछल रहे हैं उन मुद्दों के साथ चुनावी वोट दबाएगी, ये जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए क्या यहाँ पर 2024 में मोदी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का बना है वो वापसी करने जा रहा है, इसको लेकर अपने रह सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।